मैं असल इंडिया से हूँ, वहाँ मैं पैदा हुआ। मैं पाकिस्तान बना छठे दिन आ गया, पानी के रास्ते आया। यहाँ उतरा तो कोई जगह नहीं थी मेरे पास, मेरे साथ मेरे माँ बाप थे, भाई बहन थे। मैं साइकोलॉजिकल बहुत सोचता था, जिसको शेख चल्ली कहा जाता है। ये सोचने का रिजल्ट है कि इस मंजिल पे आज मैं वहाँ पहुँचा। पहली डिस्पेंसरी तो मैंने अपने बरादरी के नाम से और टाउन के आखिरी हिस्से में मैंने डिस्पेंसरी खोली। वहाँ तकसीम थी, तसुबात था, लोगों का भला नहीं था। मुझे हिस्सेदार बन रहा था सरमायेदारों का, मैं इनकार किया। कराची में एक बीमारी आ गई, फ्लू। मैंने 12 डिस्पेंसरी रोड पे टेंट बांध कर डायमेंटेड कॉलेज से लड़के लाए, कहा मैंने कहा ट्रीटमेंट करो, कोई बड़ा काम नहीं, बीमारी हमारे से मुकाबला ना कर सकी। और खुद पाक कर जो फ्लू की बीमारी गई, उस दरमियान में लोगों ने मुझे डोनेशन अच्छा दे दिया, बगैर अपील 90,000 रुपये मिल गए। 90,000 तो उसी वक्त के इतने पैसे होते थे। 13,000 खर्च हुआ, बाकी बचे रहे। मैंने क्योंकि एम्बुलेंस का मुझे बड़ा शौक था, मैं सेंट जॉन में जाया करता था, रेड क्रॉस में जाया करता था। इंसानियत की खिदमत में एम्बुलेंस एक बहुत ऊंची चीज़ है। आज 1800 एम्बुलेंस हैं सारे पाकिस्तान में, सियाचिन से लेकर नगर पार तलक, लाहौर से लेकर चमन तलक। ऐसे मुझे कभी कोई ढूंढना नहीं पड़ा, बंदे आते ही रहते। 19,000 लोग दाखिल हैं, रोज ऐसा दिन जाता नहीं है कहीं 4-5 फार्म ना ले जाते हो। माँ से भेजा रहे हैं, बाप से भेजा रहे हैं, माँ से भेजा रहे हैं। नाम देते हैं मेंटल, वो एज है तो ही जाएगी मेंटल। मैं भी मेंटल की कैटेगरी में हूँ, वो मेंटल की गोली खाता हूँ। 380 हैं सेंटर, बच्चे लाता था रोडों पे से कोड़ों से उठा उठा के, कीड़े मकोड़े चढ़े हुए। मैंने चूल्हा निकाला, बिल्किस आने लगी काम के लिए, मैंने शोफर की कि बिल्किस तू मेरे से शादी कर। सिर्फ ये बच्चों को संभालती थी, मैंने बच्चों के खातर मोहब्बत की, जो चूल्हे में बच्चे आते थे कोई संभालने वाला। इस काम को कोई पसंद नहीं करता था, इसने अपनाया और आज दिन तलक अपनाया। 30,000 बच्चे दिए हैं। आज भी मैं जुल्म के खिलाफ बोलता जरूर, लेकिन बंदा एक मारा नहीं, न मारने देता।